Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is about the Nykaa Hot Pink Sale Part 2. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि first part में मैंने आपको बताया था कि मैंने Nykaa Hot Pink Sale से बहुत सारे order place किए थे, जिसमें से दो मैं पहले open कर चुकी थी. उसके बारे में तो मुझे पता नहीं क्या मैंने use कर लिया, कौन सा सामान अब कहाँ पड़ा है. और एक parcel मैंने आपके साथ order किया था, और उसके बाद अभी आ चुके हैं दो और parcels. So, without any further delay, let's get started. तो जिन दो पार्सल्स की मैं बात कर रही थी वो है मेरे हाथ में, एक ये पार्सल है और एक ये वाला पार्सल है. तो शुरू करते हैं. थ्योरी हमारी वही सेम रहेगी कि पहले हम छोटा पार्सल ओपन करेंगे और फिर हम बड़ा पार्सल ओपन करेंगे, क्योंकि छोटे पार्सल में छोटी खुशियाँ, बड़े पार्सल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ. तो करते हैं स्टार्ट इसको. पहले तो इसका चीरहरण करना है, इसका और इसका ना, देखते हैं कल किस में क्या निकलेगा. पता नहीं ना किस में क्या ऑर्डर किया था, मतलब इतनी स्कूल के वर्क में इतना क्लोज होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ कि ऑर्डर प्लेस किया हुआ. फिर कॉल आता है कि ये प्रीपेड है, ये COD है आपका, ये प्रीपेड है, ये COD. मैंने ऑर्डर किया, मैं अरे अभी ले लो, बाद में घर आकर देखूँगी मैं, जो होगा देखी जाएगी, अभी आप ले लो ऑर्डर. तो स्टार्ट करते हैं. तो इस पार्सल से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आइए इसको चीरा फाड़ी करते हैं. ये देख लो, यहाँ से पहले ही फटा हुआ है भाई. कहाँ से खुलेगा भाई तू? इसमें क्या है? ओके, तो इसमें वही है फेसिस कैनेडा का जो कॉम्पैक्ट है, जो मैंने नेचुरल शेड में ऑर्डर किया था, इसमें वही है. रिव्यू करेंगे, रुको जरा, सबर करो. रिव्यू भी करेंगे. ये मैंने अपनी दीदी के लिए मंगाया, क्योंकि उन्हें मेरे वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया था. तो शी वॉज़ लाइक कि चलो प्राइस भी अफोर्डेबल मिल रहा है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो चलो एक मेरा भी ऑर्डर कर दो. तो इसका रिव्यू मैं आपको भी ज़रूर दूंगी आगे आने वाली वीडियोज़ में. चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, कुछ और भी निकला है. ओके, तो ये दोबारा निकला है. ये मेरी भाभी का ऑर्डर है, ठीक है. ये दोनों भाभी का ऑर्डर है, ठीक है. कौन मतलब भाभी ने वो वाला अच्छा, उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे थे और रिव्यूज़ इतने ज़्यादा सुंदर थे, मतलब बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे उसके. तो फिर भाभी बोलती कि चल एक मेरा भी मंगा दे नेचुरल शेड में. तो फिर उसके बाद भाभी को ये एक फेसिस कैनेडा का सिंदूर भी चाहिए था, तो मैंने भाभी के लिए ये भी ऑर्डर कर दिया. गाइस अब है इसकी बारी. मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता है इसमें क्या है क्या नहीं, भी मैंने इसको कुछ नहीं छेड़ा. बट इसका जो एक ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड, ये पहले से इसका जो टेपिंग वाला सिस्टम है, मुझे नहीं पता क्या इशू है, वो पहले से ही कटा है. मैंने अभी कुछ नहीं करा, आपके सामने ही पार्सल है, ठीक है. और दूसरे साइड वाला इसका टेप बंद है, जो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. देखो इसका ये वाला बंद है, राइट, और इसका ये देखो ये वाला खुला हुआ है, ये वाला बंद है. तो इसको भी हम करते हैं. आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता इसमें क्या कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है. उसके बाद एक इसकी चीरा फाड़ी होगी यहाँ से नीचे से, ठीक है. अच्छा, एक यहाँ से साइड से रह गई इसकी. आई होप कि प्रोडक्ट्स पूरे, वैसे तो पूरे ही होंगे, नायका पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, आप वर्क करके. चलो सबसे पहले क्या आया है देखते हैं. ओके, तो सबसे पहला है ये फेसिस कैनेडा का छोटू सा क्यूट सा ब्लश, विच इज इट्स टू क्यूट, यू नो, बहुत क्यूट सा और ऐसे हैंडी सा है बहुत ज़्यादा. रिव्यूज़ अभी नहीं दूंगी. आई नो आप ये सोचोगे रिव्यू भी दे दे तो अच्छा होगा,
तो मैंने ये ऑर्डर किया है बेरी ब्लश, राइट। ओके, तो पहला ये आया है, फिर बात करते हैं इसको साइड में रखते हैं। देन मैंने ऑर्डर किया है ये लैक्मे का 24 आवर्स डे है इसका आईलाइनर, इट्स ब्रश आईलाइनर, विंग इट डू इट और एज इट। वाओ। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्सल की, ठीक है। ओके नाइस। तो ये एक फाउंडेशन है, पहले वाला जो मैंने फाउंडेशन ऑर्डर किया था वो क्या था, 04 शेड में। और अब जो ये वाला पार्सल, मतलब पार्सल बोल रही हूँ, जो मैंने मार्स का फाउंडेशन हाई कवरेज फाउंडेशन है वो मैंने पहले ऑर्डर किया था 04 शेड में, वो नॉर्मल स्किन टोन के लिए था। और अब जो मैंने किया है वो फेयर स्किन टोन के लिए है, 02 शेड मैंने ऑर्डर किया, राइट। तो यस, एक ये है। नेक्स्ट है मिस क्लेयर का हाइलाइटर शिमर ब्रिक, खोल के देख लेते हैं एक बार। वाओ, पैकेजिंग इज टू गुड यार, अच्छी लग रही है। अरे भाई पूजो, सी यू कैन सी, वाओ। रिव्यू अभी नहीं दूंगी, बस मैं देख रही हूँ, इससे थोड़ी रिव्यू पता चलेगा ऐसे मेरे एक्सप्रेशन से। नाइस, देखने में भी अच्छा है, वैसे भी देखने में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, ठीक है। नेक्स्ट है ये फेसेस कनाडा का ही है हाई कवरेज कंसीलर, ड्राई लग रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ ऐसे क्रैक सा दिख रहा है ना, नहीं आई थिंक वो वैसे हो गया होगा यार, मतलब ठीक है लगाने के बाद पता चलेगा ना। दिस इज़ कंसीलर, फेसिस कनाडा का ही आया है, ऑर्डर इट। और इसका जो है MRP बाद में बताएंगे, जिस प्रोडक्ट का आपको MRP पूछना हो या वो मुझे कितने रुपीज़ का पड़ा है, मतलब जो भी आपने पूछना हो आप प्लीज़ कमेंट्स कर देना, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। नेक्स्ट है ये मस्कारा मेबेलिन का सुपर हाइपर कर्ल मस्कारा, बट यार ये देखना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये इसकी पैकेजिंग ऐसी, पता नहीं, एक तो ना दिमाग मेरा क्या होगा, हर चीज़ में मुझे नुक्स निकालना होता है। आई थिंक ये पता नहीं ये ऐसे ही है, ये बीच में गैप पता नहीं है, तो ये बंद अच्छे से नहीं हुआ, उसके ऊपर कवर हुआ, मुझे नहीं पता, चलो बाद में देखेंगे भी, बट एक ये है। नेक्स्ट है ये नायका का, मुझे पहले भी फ्री मिला था, पहले मुझे आई थिंक वो ब्लू कलर वाली बॉक्स फ्री मिली थी 10 रुपए वाली डब्बी, और अब मुझे ये मिला ऑरेंज वाला हॉट प्लम। नेक्स्ट है ये फेसिस कनाडा का लिप शेड हॉट प्लम शेड है इसका। ओके, ये तो दिखा सकती हूँ, शेड दिखा देती हूँ। नाइस, और उसके बाद है नायका का एक और, ये मैंने लिप शेड ऑर्डर किया है, वो वाला जो पहले वाला था वो थोड़ा न्यूड शेड में था, और ये वाला जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा डार्क में लग रहा है मुझे, और इसका वो है प्लम लक, ऐसे दिखता है, कैसे दिखाते हैं यार मुझे तो ऐसे ऐसे करके ऐसे, अरे मैं अभी सीख रही हूँ ना, धीरे धीरे आ जाएगा ऐसे करके। रिव्यूज़ तो बात नहीं करेंगे, बाकी आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना। रिव्यू करने का भी थोड़ा टाइम लग रहा, बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा है अभी थोड़ा, पर कोई बात नहीं, जल्दी करूँगी रिव्यू, बट ये वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। और आपको अगर किसी चीज़ का प्राइस पूछना, मैं बार बार बता रही हूँ, टीचर हूँ ना तो आदत हो जाती है ऐसे किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने की, तो अगर आपको किसी भी चीज़ का प्राइस पूछना हो या किसी भी चीज़ का आप चाहते हो कि हाँ कि अगर आपको वो परचेज़ करनी है और आप चाहते हो इनमें से कि मैं उसका रिव्यू पहले कर दूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख देना कि आपको किस चीज़ का रिव्यू सबसे पहले चाहिए, और मैं ट्राई करूँगी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल मुझसे जितना बन पाएगा मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू, बाय।